बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखिर सबसे बड़ा ध्यान गुरु का ध्यान क्यों कहा गया? श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि हे होती। कई शब्दों में गुरु के ध्यान का महात्म आया। अगर संतत्व की आइडियोलॉजी पूरी आप उठाएंगे तो उसमें आपको केवल गुरु का महात्म नजर आएगा। आखिर ऐसी क्या बात है गुरु के ध्यान से? मैंने वेद का एक श्लोक भी बताया, सहस्त्राणि कल्प काशी बसंती यत् परम क्षणार्धि गुरु चिंतते यत् अधिकम्, क्षणार्धि गुरु चिंतते यत् अधिकम्। मैं आज इसका गुरु ध्यान का महात्म तर्क युक्त बताऊंगा कि गुरु के ध्यान में आकर ऐसी क्या ताकत है। जैसे आपका ये स्थूल शरीर है, इसमें हाथ है, पांव है, बाकी सब चीजें हैं। आपको नींद में एक शरीर मिलता है, उसमें भी आप कार्य करते हैं, बड़ा कौतुक है। आप इस कौतुक पर थोड़ा गहन चिंतन करें। आप निद्रावस्था में स्वप्न देखते हैं तो पहचान भी जाते हैं, भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, लेकिन वो शरीर आया कहाँ से? ये रहस्य मनुष्य नहीं जान पाता है। कंठ के बाएं तरफ एक कोशिका है जो रोम से 1000 गुना बारीक है। आप सोचे 1000 गुना बारीक है, उसमें जीव प्रवेश करता है, इस शरीर से निकलकर स्वप्न की देही को धारण करता है। ये काम आपने अपने जीवन में कई बार किया, वहां जाकर वहां से वापस आते पता नहीं चला, लेकिन सभी शरीरों का संचालन ये आत्मदेव कर रहा है। मैं यहां एक बात स्थापित करना चाहता हूं, आपका ध्यान जो है सुरती आत्मा है, इसमें हाथ भी है, उसमें मुंह भी है, पर ऐसा मुंह नहीं है जैसा हम ये देखे हैं। ये तो भूल भुलैया में डाल दिया गया है। आंखें भी हैं पर ऐसी स्थूल आंखें नहीं है। मुख भी है, ऐसा मुख नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले एक संवाद में एक बात बोली थी कि वो आत्मा इतनी अविनाशी, इतनी सक्षम है, अभी कहाँ है? अभी वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ये शरीर के जितने भी तंत्रिकाएं हैं ये सब उसी आत्मा से संचालित हो रही है। जो ये विराट रूप विश्व देख रहे हैं ये भी आपके अंदर है। साहब का एक ये शब्द कितना सार्थक है इस स्थल पर, अबधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 9 लाख तारे। आप थोड़ा सा सोचें, यही में सूरज चंदा, इस घट भीतर मन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर 7 समुंदर,
याही में नदियां नारा। इस गढ़ भीतर काशी मथुरा याही में गढ़ गिरनारा। इस गढ़ भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा सब इसमें है। इस गढ़ भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा। इस गढ़ भीतर देवी देवा याही में तीर्थ सारा। इस गढ़ भीतर तीन लोक है याही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु याही में गुरु हमारा। जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वो ही जा पर कृपा सदगुरु की होई। इस आपसे भिन्न कुछ नहीं है। तभी तो वेद भी कह रहे हैं ये पिंडे सब्रमण पिंड और ब्रह्मांड समरूप है। पूरा ब्रह्मांड इसमें है। साहब भी वाणी में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए बड़ा कौतुक है। आपके पास एक स्मार्टफोन है देखो उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है। ये तो एक ऐप एक इंस्ट्रूमेंट मनुष्य ने बनाया। आप सोचें इसकी संरचना शरीर की निरंजन ने किया। उसने काफी तप किया था। इस आपकी आत्मा आप देखते हैं कोई कहता है ना इसमें सिद्धियां भी है कह रहे हैं साहब साहब अष्ट सिद्धि नव निधियां है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक ध्यान की रस्सी बनाओ अपने अंदर। उस रस्सी में एक साधारण सी गठान बांधो अंदर ही अंदर इस तरह की गठान बांधो। आप इन हाथों को नहीं ले अब उस गठान को ताकत से खींचो अंदर से बहुत कसो। देखो अंदर से बल भी लगा आपने खूब कसा। अगर कहूं कसते जाओ तो वो किससे कस रहे थे हाथ तो ये थे नहीं। बंधुओं सूरत में रचो संसारा। सूरत का खेल है सारा। बस ये पूरा विश्व अभी आपकी जो आत्मा है संसार के पदार्थों में रम गई है। अब ये संसार नित्य और यथार्थ प्रतीत हो रहा है। कौतुक क्या है हम सब हो गए भौतिकवादी। जब हम सब भौतिकवादी हो गए तो अब भौतिक पदार्थों के द्वारा ही हम सब चीजें कर रहे हैं। हमारी ये धारणा हो गई है कि शरीर के द्वारा ही पूरा काम हो रहा है। शरीर तो जड़ है। आप देखें जब कोई आदमी किसी का देहावसन हो जाता है स्थूल शरीर पड़ा रहता है। अभी यहां ध्यान एकाग्र करने का की प्रासंगिकता भी क्या है। सभी तो ध्यान एकाग्र करो ये बोल रहे हैं ना। सूरज से देख सखी वह देश वाह क्या शब्द है साहब के। हम उसकी ताकत से अंतर जगत का भ्रमण कर सकते हैं। एक यहां प्रसंग बड़ा सुंदर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये कबीर प्रश्न गीता शास्त्र है। इसकी रचना मैंने नहीं की है
स्वामी युगलानंद बिहारी ने किए। इस शास्त्र में एक उल्लेख है जो मैं कहूंगा शायद दुनिया का कोई भी आदमी नहीं स्वीकार कर पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कबीर कृष्ण संवाद है इसमें, साहब त्रेता में सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, कली में भी आए और त्रेता में भी आए। आप यही उदाहरण लें, साहब ने पहले बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ा है। जब कलयुग इस संसार में, कलयुग में साहब आए तो देखो पहले कहां प्रकट हुए, काशी में हम प्रकट हुए, साहब काशी में आए। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, इस धर्म के का जितना भी संचालन है वो काशी से प्रारंभ होते थे। और काशी का राजा वीर सिंह बघेल उस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शास्त्रकारों को, कम से कम उन्होंने बाकी तो सब चीजों कबीर साहब को लोप करने की 100% ट्राई रही, लेकिन कम से कम उन्होंने इतना तो लिख ही दिया ना कि वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। इस तरह जिस युग में भी आए उस युग में जो विशिष्ट आदमी था साहब ने उसको पकड़ा। साहब ने उसको पकड़ा। और उसे ज्ञान दिया है। यहां मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये सूरत में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेत आत्माओं में भी एक ताकत आती है। मैंने ये प्रसंग पहले उठाया है। प्रेत आत्माएं तीन तरह का शरीर धारण करती है। पहला यथावत जैसे ये बॉडी है, बस उनकी ये फीलिंग होती है हम शरीर है। वर्तमान का ये शरीर भी भ्रम के कारण से प्रतीत हो रहा है। यहां साहब का एक प्रसंग कितना सार्थक है, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, और बार बार बोला ये छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, ये इसमें तुम उलझे हो। 5:25 तीन का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई। अब साहब क्या कह रहे, 5:25 तीन का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई, तुमसे बिसर गई सुध घर की, पड़ा काल बस आई। एक एक शब्द का अगर ठीक विश्लेषण दिया जाएगा तो सब पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 का, और ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां 3 गुण, ये बहुत बड़ा झमेला है। इसमें फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस आत्मा को बांधने के लिए बहुत ताकतें लगी हुई है, इसको भ्रम के कूप में डाला है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे भी। तो इस तरह से प्रेत आत्माएं 3 शरीर धारण करती है। बड़ा कौतुक है, मैंने कल भी स्वप्न के विषय में बोला था कि कुछ लोग स्वप्न में भी किस तरह से आकर विषय भोग करते हैं। जिस तरह आपको ये शरीर अनुभव हो रहा है कि मैं यही हूं, इसी तरह प्रेतात्माओं को भी अनुभव होता है कि मैं यही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने भी जीवधारी प्राणी है सबको यही अनुभव होता है कि मैं शरीर। इसलिए ज्ञानी को यह पता चल जाता है इन सब के पीछे एक आत्मदेव खड़ा है, और शास्त्र भी कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु।
सब में तेरा जलवा समा रहा है। ये ईश्वर का अंश है। तो पहला ऐसे स्थूल शरीर में मिलती है प्रेत आत्मा, भटकती है। दूसरा वो एक और तरीके से दिखती है। आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन लगेगा यहां कुछ है। आपको लगेगा यहां कुछ है। उनमें एक ताकत होती है जिसको चाहे दिखे बाकी को नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं देख। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये प्रसंग भी मैं पहले उठा चुका हूं। उनमें बहुत ताकत होती है। डलहौजी की बात है 1975 की। एक लड़का उस समय आया, नाम था दिलासा राम यादव। मेरी खटिया कोने में थी, उसके बगल में थी। वो सेवा भी करता था, सत्संग सुनता था, सब चीज थी। हमेशा दुनिया में एक बात रही है, जब भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी को सन्मार्ग की तरफ ले जाता है तो दुष्टात्माएं उसका विरोध करती है। यही संसार की रीति है। तो और हीन भावना से भी देखेंगे, हर एक अपना अपना संगत बढ़ाना चाहता है। चोर चोर मोसेरे भाई। तो कुछ लोगों को मैंने वहां भी दीक्षा दी, सत्संग करता था वो, पूरी सेवा करता था सत्संग में। अब वो हमेशा आता जाता, यानी सब काम करता था, बड़ी रुचि से सब देखता। वो ये बात जान गया कि ये इस नाम को, ये ऐसे ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे ऐसे साधन पद्धति है, ऐसे ऐसे सब चीज है, ऐसे ऐसे समरण करते हैं। वो पूरा बात जान गया। जब पूरी बात जान गया तो उसने सोचा अब दीक्षा लेने की क्या बात है, मैं तो सब जान चुका हूं। चलो लोग भी ये जानने लगे कि ये तो नाम दीक्षा प्राप्त कर चुका है, पर सच ये था उसने दीक्षा नहीं ली थी, नाम नहीं लिया था। डलहौजी से हम मिजोरम में गए। तो वहां एक पोस्ट है अर्चुल, वहां पर मैं क्वार्टर मास्टर का काम भी करता था। वहां राशन सप्लाई होती थी हवाई जहाज के द्वारा। मैं छुट्टी गया हुआ था, इतने में वहां बिजली गिरी। 3 आदमी बैठे थे, उसमें एक मेरा नाम ही था, एक और लड़का था, एक वो दिलासा राम था। बिजली गिरी, आकाशी बिजली। वो लड़का पूरा हो गया। जो दूसरा बैठा था वो मेरा सत्संगी था, उसका नाम था राम नारायण पूनिया। उनके जिस्म के बाल जल गए थे उस बिजली से। चलो लड़का पूरा हो गया। उसके बाद वहां से मैं आइजोल में आया थोड़े टाइम के लिए। तो एक बहुत बड़ी बैरिक थी वहां पर। सुबह जब मैं दीवार से टिककर सुमरन में बैठा था, मुझे आवाज आई, महाराज प्रणाम। मैं आंख खोला, देखा वही दिलासा राम जो मर चुका था वो सामने खड़ा था।
आपको ध्यान होगा मैंने बोला है मैंने हजारों प्रेत आत्माएं देखी है। जो कहते हैं प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं वो मूर्ख है। क्यों? इन प्रेत आत्माओं का जिक्र वेदों में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी है, इन प्रेत आत्माओं का उल्लेख साहब ने भी अपनी वाणी में किया है। मैंने उससे पूछा, वो मुझे बोला महाराज अच्छा उसकी शादी हुई, एक बेटा भी था उसका, इटावा साइट का था। मुझे बोला मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, मैंने आपसे नाम नहीं लिया, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, एक एक शब्द यथार्थ बोल रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं जान चुका हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, पर मैं प्रेत योनि में प्रेत आत्माओं को देखता रहता हूं, मेरे पास कोई भी नहीं टिक पाता है, पर मुझे पता है ये नाम, मैं यानी कुछ चीजें आपकी जानता था मैं, मेरे पास नहीं आ पाते वो, बाकी प्रेत लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं, मेरा उत्थान नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा कहीं आगे जाता हूं आवाज आती है, गुरु धारण नहीं किया तुम नहीं जा सकता है। मैं अभी आपसे दीक्षा लेने आया हूं। मैंने कहा मैं प्रेत योनि में दीक्षा नहीं देता हूं, मानव तन ही मोक्ष का अधिकारी होता है। अच्छा फिर वो चला गया। आप याद रखना प्रेत आत्माएं जब भी निवास करती हैं तो कॉन्शियंस में जाती है, इसको डॉक्टर कभी नहीं समझ सकेंगे, ये बात उनकी पकड़ और उनके यंत्रों से बहुत बाहर है। एक दिन मैं मध्य रात्रि में निद्रा में था, मुझे आभास हुआ कि कुछ मुझ पर दबाव आया, मैं एकदम उठा पकड़ लिया उसको, वो दिलासा राम था। मैं कहा अच्छा ये बात है, बोला मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं, उसको पकड़ा। मैंने कहा मैं तुझे समझाया था जाओ, अब तुम मेरे पास कभी नहीं आ पाओगे। कहने का मतलब है मैंने इसका हवाला कई चीजों से दिया है। तो पहले तो वो प्रेत आत्माएं जो हैं वो इस रूप में आती है, दूसरा वो आपको दिखेंगी नहीं पर आपको लगेगा यहां कुछ है। और आमतौर पर वो अंधकार में आते हैं, अंधकार ही प्रेत आत्माओं का जगत है, उनका अस्तित्व अंधकार में होता है, प्रकाश में उनका अस्तित्व नहीं हो पाता, वो अंधकार में आते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप कई ऐसे लोगों को पूछते हैं जिनका बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है, शरीर छूट चुका है, आप फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज तक आत्मा का नाश नहीं हुआ है, इसलिए उनका जो अस्तित्व है और रहेगा। किसी युग में कोई हुआ आपका पूर्वज और अब उसका तो शरीर छूट गया, अभी भी आप उसकी उपासना कर रहे हैं, ये रहस्य है। तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई गायत्री मंत्र से ही हट जाएगा, कुछ 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 कहते हैं, लेकिन सुनो इस तरह प्रेत आत्माएं
उस समय दिखेंगी नहीं, पर आपको लगेगा यहां कुछ है। जब घर का आदमी किसी को यूं कहेगा तो वो कहेंगे हमें तो नहीं लगा, उनमें ये ताकत है, सिर्फ जिसको चाहेंगे दिखेंगे, बाकी को नहीं अनुभव होने देंगे। तीसरा, वो अति सूक्ष्म रूप में आएंगे, आपके ब्रेन में बैठ करके पूरा काम कराएंगे। ये प्रेत आत्माएं इस तरह तीन प्रकार से आती है, लेकिन उनको यह ध्यान होता है उस समय कि मैं संसार में ये था, अंतःकरण साथ होता है, इसलिए वो प्रेत योनि में जाकर भी मुक्त नहीं होता है। कुछ मूर्ख लोग समस्याओं के चलते आत्महत्या करते हैं, आप मानेंगे उसी समस्या में वो गोते लगाते रहेंगे। यहां इस बात की प्रासंगिकता है कि जीते जी जगत के पदार्थों को आप त्याग कर अंतःकरण निर्मल कर लें और अपने अंदर एक धारणा बनाएं, यही हमारे वेद भी कह रहे हैं और अंत में है स्वागत है। इस तरह से ये आत्मदेव इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये चींटी के शरीर में भी शरीर को वर्णन करता है और हाथी को भी वर्णन करता है, इसमें बहुत ताकत है। नाना योनियों में इस आत्मा को भटकाया जा रहा है। जब गुरु ये ताकत देता है, अब साहब क्या करें, आप यहां पुष्टि दे रहा हूं मैं, यमदास निकट न जा वहीं, यमदूत भी उसके पास नहीं आ सकते, यह नाम की प्रतीत हो। आप देख रहे हैं एक छोटा सा वैक्सीनेशन लगाकर आपको कह रहे हैं COVID-19 से बच जाओगे, उस इंजेक्शन ने क्या किया, हमारे रक्त में प्रवेश किया, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचा। अब जहां वो वायरस ने हमला करना था वहां वो टिक नहीं पाएगा। इस तरह नाम से सभी चीजें इस तरह हट जाएगी। जब इंसान ने एक ऐसा वैक्सीनेशन बना दिया जिसके प्रभाव से वो वायरस प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, तो परम पुरुष के नाम में भी तो कुछ ताकत होगी। यहां साहब का ये शब्द बड़ा सटीक है, सदगुरु शब्द सहाय। आप विश्वास तो करना, मैंने हजारों भूत प्रेतों से ग्रसित लोगों को नाम की ताकत से साइड किया है, अपनी ताकत से नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त होती है, कुछ लोग ले आते हैं ऐसे लोगों को, कहते हैं नाम लो, मैं मेरा नाम, अभी ये अपनी स्थिति में नहीं है। ठीक वैसे ही कोरोना हो रहा हो है उस समय वो इंजेक्शन काम नहीं करेगा। वो इंजेक्शन उस समय काम नहीं करेगा, उसके बाद भी कह रहे हैं सेकंड डोज के बाद भी 2 हफ्ते तक वायरस का अटैक हो सकता है। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। उनको मैं कह रहा हूं ये तो उस स्थिति में ही नहीं है, ये तो उस स्थिति में ही नहीं है, इसको अभी नाम देने से कोई लाभ नहीं है। नाम के लिए तो एक शर्त है ना, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत होए। मैं कहता हूं घर के लोग भी जुड़ो, तुम्हारे अंदर भी वो ताकत आएगी। तुम तो एक पागल को ले आए, कहा इसको नाम दो, तुम खुद तो नाम से जुड़ नहीं रहे, पागल को नाम नहीं देना मैंने। अब यहां कोई मेरा स्वार्थ है क्या, स्वार्थ नहीं है, मेरा यह मानना है जिस घर में नामी है
अगर वो बैठा है तो दूसरा जो नाम नहीं लिया उसके अंदर भी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं ले पाएगी, मेरा यह दावा है। इसलिए फिर मैं उनको कहता हूँ, मेरा भैया पहले भक्ति से जुड़ो, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मेरे पास तो प्रभु का नाम है, वो नाम हमेशा सुरक्षा करता है। मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ, भूत प्रेत भगाने वाला इस तरह का झाड़ा फूंकी वाला नहीं हूँ मैं, इसका खंडन करता हूँ। तो यहाँ एक साहब का शब्द कितना सटीक है, सदगुरु शब्द सहाय, यानी वो नाम हमेशा मदद करेगा। निकट गए तन रोग न व्यापे, ताप पाप मिट जाए। आपके पास रोग आ सकता है, प्रभावित नहीं कर पाएगा, हट जाएगा। जैसे जिसने वैक्सीनेशन लगाया उसके पास भी आ सकता है लेकिन इफेक्टेड नहीं हो कर पाएगा। अठवन पठवन दृष्ट न लागे, उलटता है घर जाएगी, यानी काली नजर ये भी कंसंट्रेशन से चलती, ये नहीं लगेगी। मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन प्रस्ताए, आप पर मारण मरण उच्चाटन वशीकरण ये तंत्र भी नहीं चलेगा, आपको प्रिजर्व कर दिया। बख्तर नाम सदा रखवाड़ा, जो बख्तर कहते कवच को, जो कवच पहना जाता है वो शस्त्र भेद नहीं पाते, कवच ऐसा बना हुआ होता है। मैंने चित्तौड़गढ़ में भी सत्संग दिए तो वहां मैं चित्तौड़ का किला भी देखा, महाराणा प्रताप की वहां कवच वगैरह, उनकी तलवार, उनका टोपा, ये पड़ा था, देखा था। इसलिए आपको सिद्ध लोग सिद्धियां नहीं चला पाएंगे, नजर नहीं लग पाएगी, कोई सम्मोहित नहीं कर पाएगा। आगे कह रहे, ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाएगी। ओझा तांत्रिक कोई तंत्र आदि से आपको इफेक्टेड नहीं कर सकेंगे। भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत पिशाच पास नहीं आ सकते। यमतास निकट ना आवे, अरे यम भी नहीं आ पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक यहां पर एजुकेशन के डायरेक्टर साहब थे, उनकी पत्नी नाम लिया था, उन्हें नाम लिए थे, लेकिन बड़ी भक्त थी। तब मैं जम्मू में थोड़ा कम रहता था, बाकी जगह गोंडा वगैरह ज्यादा रहता था, और पूर्णिमा को मैं यहां आता था और फिर 10-5 दिन यहां रहता था। तो वो माता थोड़ी अस्वस्थ हुई, उसको सोचा अभी शरीर छोड़ देगी, लेकिन वो नीचे थी तब भी शरीर नहीं छोड़ा। उसने ये बात पहले, अभी उसकी वाणी भी बंद हो गई थी, उसने पहले कहा था कि मुझे गुरु जी के दर्शन करना, कुछ मैं आपके सामने प्रत्यक्ष अनुभूतियां रखता हूं ना। वो 2-2.5 दिन इसी स्थिति में नीचे ही रही घटिया के, क्योंकि जब आदमी शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसको फिर भूमि के हवाले करते। जैसे मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर श्यामलाल जी ने मुझे कहा कि एक लेडी है इस तरह बड़ी श्रद्धालु है, वो मरण आसन पर है पर शरीर नहीं छोड़ रही, कहा कि गुरु जी का दर्शन करना है तो आप उनके यहां चलो। मैंने कहा पूर्णिमा है, पूर्णिमा को मैं कहीं जाता नहीं हूं। कहा नहीं गुरु जी वहां चलना है। जब मैं वहां पहुंचा उनकी आधी आंखें खुली थी, शरीर शून्य अवस्था में था। उन्होंने मुझे दृष्टि से प्रणाम किया और इशारा किया चरणामृत का, और
और दर्श के बाद उन्होंने एक मिनट में ही गर्दन छोड़ दी। तब उनके पति ने कहा, आज मैं अध्यात्म शक्तियां कुछ मान गया हूं। वो तब बोले थे, ये मैं कोई दंतक कथाएं नहीं बोल रहा आपके सामने। स्वामी से सेवक बड़ा गावत वेद पुराण, सेत बांध और रघुवर गयो कूद गयो हनुमान। साहब का एक भजन है बड़ा, मैंने वो पहले भी कहा, भी याद नहीं आ रहा है मुझे पूरा। राम जी को तो सेतु बांध करके समुद्र पार कराया गया, अगस्त मुनि तो समुद्र को ही पी गया। उस शब्द में, उस भजन में साहब ने ये शब्द कहे हैं, ऐसे पांच छह और शब्द कहे। साहब ने जो जो भी बातें बोली है बड़ी सटीक बोली है। तो बंधुओं, अब वो गुरु का ध्यान आपको एक बहुत, वो एक ऊर्जा का केंद्र है। जैसे आपका कंसंट्रेशन उससे कनेक्ट हो जाता है, शक्ति का आवर्तन परावर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कह दिया ध्यान मूलम गुरु रूपम गुरु सुरति सुरधेन समाना, इस तरह वो शक्तियां उसके अंदर आ जाती है और गुरु दर्शन से इतनी बड़ी ताकत मिलती है कि आदमी अपने पूरे दुख भूल जाता है। मैं इसका छोटा एग्जाम्पल देता हूं, मैंने शायद ये बात पहले भी कही है। मेरे पास पहले कोई गाड़ी नहीं थी, मैं साइकिल पर भी चलता था, यहां पैदल सत्संग करने भी जाता था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेरे कुछ नामी बड़े ऑफिसर थे, वो मुझे वहां की गाड़ी ICTDS की, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की, वो मैं गाड़ी से कभी कभी चलता था, वो भेज देते थे। मैं उनको मना भी करता था, भैया सरकारी गाड़ी है, इसमें तो लाल बत्ती भी है, VIP गाड़ी है, मैं तो साधारण सा हूँ। बोला नहीं गुरुजी कुछ बात नहीं, वो तो बड़े समर्पित लोग थे दोनों तीन ऑफिसर, राम रतन भगत और अपना मिस्टर श्यामलाल जी IAS ऑफिसर। तो एक दिन एक ड्राइवर आया, तो उनके ड्राइवर अलग अलग होते थे। ड्राइवर का थोड़ा मूड अजीब था। मैंने जब उससे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो भैया, क्योंकि जब इसने मेरे साथ एक दो दिन रहना है, बोला मीरन साहब को, यानी वो कटासा जवाब दे रहा था, रूखा बात कर रहा था। मैंने दिल में सोचा, संभव है इसको हमारे पन से एलर्जी हो। एनी हाउ उसने मुझसे बातचीत ठीक से नहीं की, मैं खामोश रहा। जब मैं पूरे प्रोग्राम देकर आया, वो जाना था, मुझसे कहा, महाराज क्या कल भी मैं गाड़ी ले आऊं? मैंने कहा साहब ने क्या बोला था? बोला साहब ने बोला था कि गुरुजी अगर कहे कल भी गाड़ी लाना तो जाना तुम। मैंने बोला तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला मैं कल भी आना चाहता हूं। अब उसके भाव, हाव भाव बहुत बदले हुए थे। मैंने उससे पूछा, भाई सुबह जब आए आप बहुत बेरुखे भाव से मुझसे बात कर रहे थे, अभी नॉर्मल है, क्या वजह थी? बोला गुरुजी पारिवारिक कुछ ऐसा मामला था, मैं ये निश्चय करके निकला था आज मैंने मरना है, आज मैं सुसाइड करना है, चाहे किसी भी तरह से मरूंगा, चाहे गाड़ी स्पीड में चलाकर किसी पेड़ से टकराऊंगा, बस मैंने फैसला किया था आज मरना है। लेकिन महाराज मैं गाड़ी चला रहा, आप साइड बैठे थे, धीरे धीरे मेरा ब्रेन अलग किस्म का होने लगा, मैं वो बात ही भूल गया, मैं बहुत नॉर्मल हो गया, जो मुझे आज आनंद मिला कभी नहीं मिला था। उसने फिर दीक्षा ली और कुछ लोगों को दीक्षा भी दिलाई। मेरे कहने का मतलब है, साहब ने ऐसे ही नहीं बोला, कबरा संगत सादगी, जौ की भूसी खाए
खीर कांड मिश्री मिले साकट संग न जाए। तो एक ये रीस जो है इंसान को प्राप्त होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महापुरुषों की रेस, एक आम आदमी की, एक दुष्ट आत्मा की भी रेस आपको इफेक्ट करती है। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बलभर बास नरक दाता दुष्ट संगजन देह विदाता। ये शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो कंसंट्रेशन से गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसुया का मेह जिम करे बहुत उपकार। तो इस तरह से वो अंतर श्रुति एकाग्र होती जाती है, चेतन होती जाती है। जब वो अंतर श्रुति चेतन होती जाती है, ये पूरा बखेड़ा समझ में आ जाता है कि क्या क्या कवच पहना हुआ हूं मैं, तो एक शुद्ध आत्मरूप हूं, पूरा झमेला खत्म होने लगता है। तभी तो कहा आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। ये गुरु ध्यान उस नाम की ताकत से प्राप्त होता है। यही आइडियोलॉजी संतों ने कही, उन्होंने योग तप व्रत आदि पर नहीं कंसंट्रेट किया, बस गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब बनने के लिए।